हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे रोड साइंस के बारे में। तो रोड साइन जो होते हैं वो क्या है, देखिए इस तरीके की साइन अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब क्या होता है, टर्न लेफ्ट अहेड, यानी कि आगे चल के आपको लेफ्ट टर्न लेना है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से लेफ्ट टर्न बना हुआ है और यहाँ पर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे लेफ्ट टर्न नहीं है और आपको आगे लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके का रेड साइन बना है, सर्कल बना है और इसके अंदर आपकी ये मोटरसाइकिल और कार बनी है, तो इसका मतलब क्या है, नो मोटर व्हीकल, यानी कि यहाँ पे कोई दो पहिया और चार पहिया गाड़ी जो है यहाँ पे नहीं जा सकती। और इस तरीके का साइन ट्रायंगल में बन के थोड़ा सा बेंड है लेफ्ट के साइड में, तो इसका क्या हो जाएगा, बेंड टू लेफ्ट, यानी कि आपको किधर मुड़ना है, लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। और अगर जैसे गाड़ी होती है ना, एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी पार करके आगे निकल जाती है, तो अगर इस तरीके के साइन बनाओ तो इसका मतलब क्या है, नो ओवरटेकिंग, यानी कि आप दूसरी गाड़ी को आगे नहीं निकल सकते। अगला है यहाँ पे, इस तरीके की साइन अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू वे ट्रैफिक, यानी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक है आपका आने जाने का। और यहाँ पे है इस तरीके का साइन अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा कि आगे काम हो रहा है, रोड बन रहा है, रोड पर काम चल रहा है। और इसका मतलब क्या है, टर्न राइट एहेड, अगर इस तरीके से है तो देखिए राइट हैंड आपका इधर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टर्न राइट एहेड। तो आप इस तरीके से जानते हैं आपका राइट हैंड और इधर मुड़ने के लिए है तो क्या हो जाएगा, टर्न राइट एहेड। और इस तरीके से आपको बना हुआ है रोड पे तो इसका मतलब क्या है, हम्प है, यानी कि आगे ब्रेकर है। और इस तरीके की साइन अगर बना है राउंड में और एरो बना हुआ तो इसका मतलब होता है राउंड अबाउट, क्या होता है, राउंड अबाउट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए आपका क्या है कि अगर इस तरीके की साइन आपको दिखती है तो इसका मतलब है कि आप आगे टर्न नहीं ले सकते। मैंने बताया कि अगर साइन बना हो और इस तरीके से क्रॉस है तो उसका मतलब होता है कि आगे उस चीज़ को आप नहीं कर सकते, तो नो राइट टर्न। अब यहाँ पे क्या है, लिख रखा है क्रॉस रोड अहेड, यानी कि आगे जो रोड है वो क्रॉस है, मतलब कि रास्ता इधर से भी है, इधर से इधर है और इधर से इधर भी है, तो ये क्या होता है, क्रॉस रोड अहेड। और इस तरीके की साइन है तो उसका मतलब क्या होता है, गिव वे, यानी कि आप रास्ता दीजिए जाने के लिए। और यहाँ पे सर्किल बना हुआ है और यहाँ पे 30, 40, 50, 60 लिखा है, तो इसका मतलब ना मैक्सिमम, मतलब कि आप गाड़ी इतनी ही तेज़ यहाँ पे चला सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते। और ये है सर्किल बना हुआ है रेड कलर में और यहाँ पे साइकिल बना, तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते। नेक्स्ट है, और यहाँ पे इस तरीके की साइन बन रखी है तो इसका मतलब होता है वन वे ट्रैफिक, यानी कि इधर क्या है, इस रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और यहाँ पे अगर साइन इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पहाड़ी इलाकों पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पत्थर ऊपर से गिर सकते हैं, तो यहाँ पे चेतावनी यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे ऐसा साइन बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है ये वाइल्ड एनिमल से है आसपास, तो यहाँ आप गाड़ी ठीक से चलाएँगे। और यहाँ पर देखिए मर्ज का मतलब होता है कि ये इस रोड में ये रोड आके मिल गया, यानी कि मर्ज हो गया, तो इसका मतलब होता है कि मर्ज होना, यहाँ पर रोड मर्ज हो रही है। और यहाँ पे पी बना है तो इसका मतलब पार्किंग लॉट, आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉप, स्टॉप एंड गिव वे, यानी कि रुकिए और रास्ता दीजिए। और पी बना हुआ है, पी क्रॉस लगा है तो उसका मतलब होता है नो पार्किंग। और इस तरीके से साइन बना हुआ है, राइट की तरफ टर्न है तो इसका मतलब कहते हैं बेंड टू राइट, यानी कि आपको राइट की तरफ मुड़ना है। और इस तरीके की साइन बना है, यानी कि ये क्या है, स्लिपरी रोड है, कीचड़ वाली रोड है, तो आप यहाँ पे स्लिप कर सकती है आपकी गाड़ी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान देंगे। और इस तरीके का डबल आपका ब्रेकर का टाइप का हम्प बना हुआ है तो इसका मतलब होता है अनइवन रोड, यानी कि रोड जो है वो क्लियर नहीं है और साफ़ सुथरा नहीं है, तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। एंड फाइनली यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।